लोगों ने देखा था पिछले दिन समबाहु और विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, यानी इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आज हम लोग देखेंगे स्केलन ट्रायंगल के बारे में, ठीक है? इसको देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, है ना? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ये ए, ये बी और इधर वाला सी, तीनों भुजाएं क्या बिल्कुल अलग अलग है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो एक तो तरीका है क्या, इसमें हाइट ड्रॉ कर दो, है ना, एच, और ये वाला टोटल हो गया बेस। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये आ गया। दूसरा तरीका है इसका, जब हाइट पता ना हो, जब हाइट पता ना हो तो उस कंडीशन में ए बी सी, तो इसमें लगाते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला। अब यहाँ से आपका हीरोन्स फार्मूला का चैप्टर स्टार्ट हो गया। हीरोन्स फार्मूला यानी क्या? हीरोन सूत्र, ठीक। तो हीरोन सूत्र में क्या करेंगे? पहले एस, एस बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो एस क्या है? एस को बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बोला जाए, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, ठीक। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आपका हीरोन्स फार्मूला है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसको समझने में, चैप्टर को समझने में, ठीक। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। ये तो अर्ध परिमाप था ना, त्रिभुज का अगर परिमाप बोला जाए तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगला क्वेश्चन एक हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर इस पर प्रैक्टिस, अभी तब तक इसको लिखिए। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो अगर एक त्रिभुज का बात करते हैं तो ये एक आपका त्रिभुज है ना, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का परिमाप कितना है यहाँ पे? परिमाप हो गया 32 सेंटीमीटर बराबर ए, ए का मान कितना दिया हुआ है? ए, एज्यूम कर लेते हैं कि ए बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी बराबर जो है 11 सेंटीमीटर है। तो ए बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया, बी बराबर 11 सेंटीमीटर आ गया, प्लस सी। तो 32 सेंटीमीटर बराबर 19 सेंटीमीटर प्लस सी। तो 32 सेंटीमीटर आ गया माइनस 19 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया? सी। सी बराबर कितना आ जाएगा? तो 13 सेंटीमीटर शायद आ जाएगा, 9 3 12 1 1 2 1 3, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर आ गया आपका। तो यानी हमको अगर बोला जाए ए का वैल्यू कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर, और सी का वैल्यू कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पर हमने यहाँ पे एस नहीं निकाला है, तो एस का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए का वैल्यू कितना? 8 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर बाय टू। अगर तीनों को ऐड करोगे तो 30 सेंटीमीटर आएगा, 32 सेंटीमीटर आएगा बाय टू। कितना आ गया यहाँ पे? 16 सेंटीमीटर। तो 16 ब्रैकेट के रूट के अंदर 16 माइनस ए का वैल्यू कितना? 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, ये आ गया 16 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस हो गया, इसको क्या लिख सकते हो? 5 हो गया, इसको क्या लिखेंगे? 3 हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, 16 का रूट कितना होगा? 4। और अगर 8 का रूट को, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 3। ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, 16 का रूट अगर फोड़ा गया तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 तो 2 है, तो 1 2 बाहर, और इसके अंदर क्या बचा? 5 3 13, इसका कोई पेयरिंग नहीं है, 30। तो कितना आ गया? 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर,
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी त्रिभुज भुजा है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, इसके अंदर घास उगानी है ना, तो घास भी उगाना है। एक और 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है, और ये भी ज्ञात करना है क्या कि यह कितने क्षेत्रफल में, यह कितने क्षेत्रफल में घास लगाएगा, है ना, घास लगाएगा। तो पहले तो एक ट्रायंगल बना लो, है ना, इस टाइप का। ये आपका 50 मीटर हो जाएगा, अच्छा रहने दो, ठीक है। ये 120 मीटर हो गया, ये 50 मीटर हो जाएगा, और ये 80 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीन साइड दिया हुआ है, क्या हाइट दिया हुआ नहीं ना, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या मान लेंगे, ए बी सी मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना है यहाँ पर, 50 मीटर, बी बराबर कितना है, 80 मीटर, और सी बराबर कितना है, 120 मीटर। ये जरूरी नहीं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बोला गया है कि इसके चारों ओर बाड़ लगाने, बाड़ मतलब तार लगाना है ना, इसके चारों ओर तार लगाना है। यहाँ पे तार लग गया, इधर भी तार लगा देंगे, इधर भी तार लगा देंगे, तो तार की लंबाई कितनी होगी, तो जो परिमाप रहेगा वही तार की लंबाई होगी, त्रिभुज का परिमाप भी तार की लंबाई के बराबर है। बट यहाँ क्वेश्चन बोला गया 3 मीटर चौड़ा फाटक भी छोड़ना है, जब फाटक रहेगा तो वहाँ पर तो तार तुम नहीं लगा पाओगे ना। सबसे पहले क्या करते हैं, कुल तार की लंबाई, तो कुल तार की लंबाई कितनी होगी, कुल बाड़ की लंबाई, यानी तो फिर कुल तार की लंबाई, तो कुल तार की लंबाई कितनी होगी पहले वो देख लो। तो कुल तार की लंबाई कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज का परिमाप, है ना, परिमाप में 3 मीटर क्या किया गया, फाटक के लिए छोड़ा गया, तो इसमें से 3 क्या करना होगा, हमको घटाना होगा, है ना। तो टोटल परिमाप हो गया 3 मीटर फाटक के लिए छोड़ दिए, ऐसे ऐसे खत्म। तो यहाँ पे तो तार नहीं लगा हुआ है ना, तो टोटल 120 मीटर आ गया। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो तीनों को जोड़ दिए, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप माइनस 3 मीटर बराबर। अगर ए प्लस बी प्लस सी 50 मीटर, 80 मीटर प्लस 120 मीटर, तीनों माइनस 3 मीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो टोटल को ऐड करने पे 0 0 0 0 8 2 10 5 15, है ना, और ये 250 मीटर, माइनस कितना आ गया 3 मीटर, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 247 मीटर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि 1 मीटर तार का कीमत कितना रुपया है, 20 रुपया, तो 247 मीटर तार का कीमत कितना होगा, तो 1 मीटर बाड़ लिख देते हैं यहाँ पे, बाड़ लगाने का व्यय मतलब खर्च, है ना, खर्च बोल सकते हो, कितना यहाँ पे 20 रुपया, तो इसीलिए 247 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना आएगा, तो 20 गुना 247, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे रुपया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 7 2 14 4640 रुपये, मेरे ख्याल 7 2 14 24 2 48 1 49, है ना, तो 3940 रुपये आपका बाड़ लगाने का व्यय आ जाएगा। ठीक, अगर अब इसी में बोला गया कि कितने क्षेत्रफल में घास उगाएगा, ठीक है, तो टोटल कितने क्षेत्रफल में घास उगाएगा, पहले इसको उतार लो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कितने क्षेत्रफल में घास उगाएगा। तो बोला गया कि घास उगाने के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये वाला टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना, तो इसी में घास उगेगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, अब तीनों साइड दिया हुआ है, हाइट तो दिया हुआ नहीं, तो उस कंडीशन में क्या लगाओगे, हीरोंस का फॉर्मूला। हीरोंस का फॉर्मूला में क्या कहेंगे, पहले क्या करना होगा, चूंकि पहले निकालना होगा एस, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, तो ए का मान कितना है 50 मीटर, प्लस बी का मान कितना है 80 मीटर, प्लस 120 मीटर बटे कितना 2, तो दोनों को अगर डिवाइड सबको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 मीटर बाय 2, तो दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया 125 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसी को अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो एस का वैल्यू कितना है 125, 125 में 50 माइनस करेंगे, फिर 125 में माइनस 80 करेंगे, है ना, फिर 125 में कितना है 120 माइनस करेंगे, तो सबको अगर माइनस करते हैं तो 125 इंटू, फिर इसको अगर माइनस करोगे तो 75, फिर इंटू, फिर इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 75 शायद, है ना, 45, हाँ
45, इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 5। अगर सबको कैलकुलेट करते हैं तो 125 को क्या लिखोगे आप, 5 × 5 × 5। 75 को क्या लिखोगे आप, 5 × 5 × 3। 45 को क्या लिखोगे, 5 × 3 × 3 और ये 5। ये कैसे आ गया पता चला आप लोगों को ना, फैक्टराइजेशन कर लिया, 75 को ऐसे तोड़ लिया गया, समझ रहे हैं। फिर अगर आगे हम लोग सॉल्व करें इसको तो देखो, दो ठो है एक आएगा, दो ठो है एक आएगा, ये दो ठो है एक आएगा, ये दो ठो है इसमें से एक आएगा, और तो नहीं आएगा ना, तो कितना आ गया इधर, तो 5 है तो 5 लिख देंगे इसको, इधर अगर 5 है तो 5 लिख दिए, फिर इधर 5 है 5, फिर इधर दो ठो 3 है तो 1 3, फिर रूट के अंदर में कितना लिखेंगे, 5 और 3, और तो कोई नहीं आएगा ना, 5 और 3 आएगा शायद, 5 और 3 15 है ना रूट के अंदर में, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 75 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये घास उगाने के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ भी जाता है, तो ये सब क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना है।